विनिया विद्यारामा, एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन फिर भी हिंदी में इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रेज़ है। क्योंकि दोस्तों 2019 में यह मूवी रिलीज़ हुई थी और यह मूवी एक फ्लॉप मूवी हो गई थी, लेकिन फ्रेंड्स हिंदी में इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वेट किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यह मूवी अभी तक हिंदी में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हुई है। और दोस्तों बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स की, तो वो सभी को पता चल गया है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स यहाँ पर गोल्ड माइंस ने खरीद लिए है, और इस मूवी की हिंदी डबिंग भी कंप्लीट हो गई है, और इसी हफ्ते इस मूवी का सेंसर सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखना ये दोस्तों ये मूवी रिलीज़ कब तक होती है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सी वीडियो में बताया था कि यह मूवी उस टाइप पर रिलीज़ हो सकती है, या फिर यह मूवी यहाँ पर पोस्टपोन हो गई थी, तो यहाँ पर यह मूवी डायरेक्ट 4-5 महीने बाद आएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर इस मूवी का वापस से प्रोमो भी अपलोड कर दिया है, और इस मूवी को यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर रिलीज़ भी किया जाने वाला है। और दोस्तों वो कब तक किया जाएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रामचरण के बर्थडे के दिन। सो दोस्तों रामचरण का दोस्तों बर्थडे आने वाला है 27 मार्च को। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यह मूवी 27 मार्च को या फिर 28 मार्च को टीवी पर देखने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड माइंस किसी मूवी को 1 महीने से ज़्यादा प्रमोशन करके ही यहाँ पर रिलीज़ करता है। जैसे कि दोस्तों मेरा मतलब है कि यहाँ पर उस मूवी की रिलीज़ डेट 1 महीने पहले ही फिक्स कर देगा और उसके बाद उस मूवी को यहाँ पर रिलीज़ करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन दोस्तों बात करें इस मूवी की यहाँ पर रिलीज़ डेट की, तो 27 मार्च तो होने ही नहीं वाली, लेकिन दोस्तों ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 27 मार्च को इस मूवी की यहाँ पर रिलीज़ डेट भी कंफर्म की जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रामचरण का बर्थडे, तो हो सकता है कि गोल्ड मेस ने यहाँ पर बर्थडे की ही तैयारी की हो कि हम चाहे तो इसी दिन इस मूवी की रिलीज़ डेट कंफर्म कर देंगे और बाद में 1 महीने बाद इस मूवी को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि गोल्ड माइंस अगर 27 मार्च को भी यहाँ पर इस मूवी की रिलीज़ डेट या फिर कोई अगला प्रोमो यहाँ पर अपलोड नहीं करता है, तो फिर तो हमको यहाँ पर देखने लायक यही हो सकता है कि यह मूवी भी फिर पोस्टपोन कर देगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह मूवी ऑलरेडी 5 महीने से गोल्ड माइंस ने पोस्टपोन कर दिए, तो अब तो नहीं लगता है कि यह मूवी भी पोस्टपोन हो जाएगी। सो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और डेट निकल कर यह भी हो सकता है कि शायद उस दिन भी इस मूवी की यहाँ पर रिलीज डेट अनाउंस की जाए, जो कि दोस्तों वो डेट होने वाली है यहाँ पर, वो है दोस्तों यहाँ पर 13 मार्च को। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पर 13 मार्च को यहाँ पर RRR को यहाँ पर ऑस्कर में भेजा जाएगा, जिससे यहाँ पर कुछ अवार्ड मिले, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों क्योंकि RRR फिल्म में यहाँ पर रामचरण भी देखने को मिले थे, शायद इसी वजह से दोस्तों गोल्ड माइंस इस दिन यहाँ पर इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर सकता है या फिर रामचरण के बर्थडे पर भी कर सकता है। सो आपका क्या कहना है अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही था डाउट कि अगर बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि यह मूवी 27 मार्च को आने वाली है, सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यह मूवी 27 मार्च को ही आएगी, उससे यहाँ पर 1 महीने बाद भी आ सकती है, क्योंकि 1 महीने बाद भी यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल भी है और कुछ ज़्यादा यहाँ पर इवेंट्स भी होने वाले हैं, जिससे हो सकता है कि गोल्ड माइंस उन पर यहाँ पर उस मूवी की यहाँ पर रिलीज डेट भी फिक्स कर सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।